हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को सूटकेस बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से आप बेडशीट में से सूटकेस बना सकते हो। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है, मैं इसका नाप बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, इसकी चौड़ाई है 8 इंच की, जो ये साइड वाली पट्टी है, और इसकी लंबाई हमारी देखिए बताती हूँ अभी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ और न्यू बैग भी शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, इसकी लंबाई है करीब 58 इंच, मतलब कि इसकी चौड़ाई 8 इंच की है और इसकी लंबाई 58 इंच की है। अब देखिए, ये हमारा डबल कपड़ा है, हमने डबल कपड़ा लिया हुआ है, और इसकी देखिए चौड़ाई है, सॉरी लंबाई टोटल आप डबल कर लेना इसका। तो देखिए 19.5 इंच है, तो ये डबल कपड़ा है 19.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है देखिए, इसकी चौड़ाई है 23 इंच। और देखिए, ये हमने इसके लिए डोरी के लिए लिया हुआ है 4 इंच चौड़ा, और मैं लंबाई इसकी बाद में बताऊंगी जब बनाने के बाद। तो देखिए, इसके अंदर मैंने ये कुछ कपड़े लिए हुए हैं इसके अंदर डालने के लिए डोरी के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको लेंगे डोरी को वाले कपड़े को, और इसके अंदर में इसको डालना है और इसे फोल्ड करते हुए अच्छी तरीके से सिल देना है। सीधा आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। तो हमारी डोरी बनके रेडी हो गई है, देख सकते हो आप। तो मैंने ये 2 डोरियां रेडी कर ली हैं इसमें से। तो आप, ये हमने बराबर ली हुई हैं, तो मैं अभी इनका नाप बता दूंगी बाद में। तो देखिए, ये जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है, इसको हमें अच्छे से सेट करके चार्लर फोल्ड करना है, अच्छे से सेट कर लेना है। कहीं से भी इसमें झोल वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा जो आपका सूटकेस बनने वाला है। वो बहुत ही सुंदर सा आप सूटकेस घर पर ही बना सकते हो। तो देखिए, हम इसमें राउंड शेप देंगे थोड़ा सा कोने पर, ये मैं राउंड शेप देने वाली हूँ 3 इंच गहराई में लेते हुए। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसमें राउंड शेप लगा दूँगी और इसको मैं अच्छे से शेप देते हुए पूरे को कट कर दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से इसमें शेप देते हुए इसमें हमें कट कर देना है। तो देखिए, हमने इसको कट कर दिया है। अब देखिए, इसको हम खोल लेते हैं। तो ये हमारा राउंड शेप हो गया है दोनों तरफ वाला। अब देखिए, इसे हमें डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, और बीच सेंटर में हमें इसके निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो हम बीच में निशान लगा लेंगे पूरे पार्ट पर। तो देखिए, इस तरीके से मैंने चौक की सहायता से निशान लगा लिया। अब जो हमने बीच सेंटर में निशान लगाया हुआ है, उसके वहाँ से नाप कर आपको 3 इंच की दूरी पर निशान लगाना है इधर, और 3 इंच की दूरी पर आपको निशान लगाना है उधर। तो मतलब जो हमारा सेंटर है उससे हमें 3 इंच की दूरी से इधर और उधर 6 इंच का हमारा गैप हो जाएगा दोनों लाइनों के बीच में। तो इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे जो हमने 3 इंच का मार्क लगाया है उसमें। तो देखिए, मैंने पूरी लाइन बना दी है दोनों साइड में, जो हमारा सेंटर था उसके साइड में। तो ये लाइन हमने डोरी लगाने के लिए लगाई है, क्योंकि हम इसके बीच में डोरी लगाएंगे। अब देखिए, इसका भी सेंटर हम निकाल लेंगे, जो बीच सेंटर है यहाँ से मैंने एक और निशान लगा दिया है इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। अब देखिए, ये जो हमारी डोरी है, जो हमने निशान लगाया हुआ है 3 इंच का उधर और 3 इंच का उधर, उस वाले आपको निशान पर रखते हुए और 4 इंच की दूरी से आपको यहाँ तक आपको सिलना है इसको, 4 इंच की नीचाई तक लेते हुए आपको दोनों तरफ। तो इसी तरीके से देखिए, नीचे से पूरी दोनों डोरियों को आपको अटैच कर देना है। तो जो हमारा बीच सेंटर है वहाँ से इस डोरी को रखना है वहाँ तक, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे ऐसे करके, और पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, जो पार्ट है ऊपर वाला, उसे हमें जो बाकी का पार्ट है उसे यहाँ से ऐसे रखना है फिर से, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हैंडल के रूप में पकड़ने के लिए हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें दूसरे वाले को भी करना है। तो मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ दोनों डोरियों की। तो देखिए, 57 इंच करीब है, 56 या 7।
तो आपको इतनी ही बड़ी डोरी ले लेनी है दोनों। तो ये दो डोरी हैं अलग अलग। तो देखिए मैं किनारी पर डबल तबल कई सिलाई लगाती हैं ताकि ये उठाने में, क्योंकि बहुत बड़ा साइज हो जाएगा तो उठाने में मजबूती भी चाहिए होगी इसमें, तो इसीलिए आपको सिलाई का विशेष ध्यान रखना है। आपको कोई भी कच्ची सिलाई नहीं देनी है इसमें, हर सिलाई को आपको पक्का ही रखना है। अब देखिए इसको हमें डबल दोनों साइड मैंने इसको डोरियों को अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर ही सूट के इस तरीके से बना सकते हो। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो देखिए जो हमने डोरी अटैच की थी बीच सेंटर से, तो उसको हमें कवर करने के लिए एक बीच में कपड़ा ले लेना है सुंदर सा, ताकि लुक भी अच्छा आए और आपने जो जॉइंट लगाया है उसका भी ढक जाए। तो इस तरीके से मैंने ये कपड़े को अटैच कर दिया है। अब देखिए आपको फिर से इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करना है, बीच सेंटर निकालना है। तो देखिए अब दोनों साइड में आपको निशान लगा देना है इस तरीके से, और ये वाली जो पट्टी है आपको इस पे भी निशान लगा देना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने कट्स लगा दिए हैं उस कपड़े पर भी और इस पर भी। अब ये वाला जो कपड़ा है यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमें पाइपिंग को अटैच करते हुए ही सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर हम पाइपिंग लगा देते हैं तो जो मजबूती आती है वो किसी में नहीं आती है। तो पाइपिंग लगा के आप ज़रूर बैग को सिलें, उससे आपके बैग में बहुत ज़्यादा मजबूती आती है और इसी बहाने आपकी डबल सिलाई भी लग जाती है पाइपिंग के बहाने, और इसमें से धागे वगैरह जो निकलते हैं वो भी नहीं निकलते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं इससे। अब देखिए इसे आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए जो हमने बीच वाला सेंटर वाला निशान लगाया था वहाँ तक आपको इसे अटैच करना है। तो देखिए बीच सेंटर यहाँ पर है हमारा, तो अब यहाँ पर हमारी इसकी चौड़ाई हमारी 8 इंच की है, और यहाँ से बीच सेंटर से हमें 4 इंच इधर लेते हुए इस कपड़े जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है उतना ही हमें पूरे को इसे कट कर देना है। तो देखिए 8 इंच इसकी चौड़ाई है पट्टी की, उसी हिसाब से हमने उसमें से आधा किया सेंटर में से, और 4 इंच रखते हुए इसको हमने कट कर दिया जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था। तो अब देखिए इस तरीके से आपको इसमें से भी बीच सेंटर निकाल लेना है और कट्स लगाते हुए इसको मिलाते हुए इसे टक कर देना है आरपिन की सहायता से। आप कभी भी डायरेक्ट सिलाई मत लगाना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगा देते हो तो आपकी डबल मेहनत हो जाती है। तो इसीलिए आपको पहले सेंटर देख लेना है, अगर आपका छोटा बड़ा फिर भी पड़े तो आप उसे दोबारा से कट कर सकते हो। तो आपकी कम से कम वो मेहनत तो बच जाएगी जो सिलाई लगने के बाद आपको उधेड़ना पड़ेगा फिर अगर आपका गलत हो गया तो इसीलिए आपको पहले ही सेट करके देख लेना है। तो देखिए ये हमारा ऐसे करके हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग को लगाते हुए और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने ये पाइपिंग के लिए ये मैंने साड़ी में से ही कट किया हुआ है पाइपिंग वाला कपड़ा, और ये जो रेड वाला कपड़ा है वो मैंने बेडशीट ली हुई है एक, उसमें से कट किया हुआ है बैग। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग लगाते हुए देखिए सिलाई लगा दी है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर देंगे। तो जो हमने ये बोरी कट्टा जो लगाया हुआ है इसके जो धागे वगैरह वो नहीं निकलेंगे अगर आप इस तरीके से पाइपिंग लगा दोगे तो, और ये मजबूत भी बन जाएगा आपका बैग। तो इस तरीके से हमने इस पाइपिंग को देखिए अटैच कर दिया है बोरी को। तो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा रेडी है, अब हम ऊपर वाले हिस्से को रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लुक आया है इसका। अब हम देखिए यहाँ पर चैन वाले पार्ट को करेंगे रेडी, क्योंकि हमें अब इसमें पाइपिंग लगानी है। तो अब जो देखिए मैंने ये छोटे छोटे पीस लिए हुए हैं कपड़े के, इसको हम सबसे पहले जॉइंट कर लूँगी मैं और फिर इसमें मैं पाइपिंग लगा लूँगी। तो देखिए आप कहीं से भी स्टार्ट करते सकते हो पाइपिंग लगाने की। तो
देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ से सेट करते हुए पूरे में पाइपिंग लगा दूँगी। तो आप इसको कहीं से भी अटैच करते हुए लगा सकते हो पाइपिंग को, कहीं ये नहीं है कि यहाँ से ही आपको अटैच करनी है। और अगर आपको कोई भी इसमें पॉकेट वगैरह और लगानी है तो आप इसमें पॉकेट भी लगा सकते हो, नहीं तो आप किट वगैरह से ही काम चला सकते हो, क्योंकि अलग अलग आप आजकल मेकअप किट वगैरह आ रही हैं तो आप उसको इसमें कैरी कर सकते हो। और आप अंदर या ऊपर कहीं भी पॉकेट लगा सकते हो लगाना चाहो तो, लेकिन मैंने नहीं लगाई है, बिल्कुल सिंपल आपको अटैच ही बनाना बताई है। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरे में पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब हम पाइपिंग को शेप देते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। आप देखिए इस तरीके से मोटी पाइपिंग भी बना सकते हो, और लेकिन मैं इसमें पतली वाली पाइपिंग बनाऊंगी। आप इसमें मोटी वाली भी लगा सकते हो, पतली वाली भी, जैसे आप लगाना चाहो जैसे आप लगा सकते हो। तो लेकिन पाइपिंग लगाना ज़रूरी होता है कट्टे वाले बैग में, क्योंकि उसमें से धागे वगैरह निकल आते हैं तो चैन में इलजते हैं। तो पाइपिंग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाइपिंग आप ज़रूर लगाएं। तो देखिए मैंने चारों तरफ पाइपिंग लगा ली है इसके। अब देखिए इसको आप पहले भी फोल्ड कर सकते हो और बाद में भी, लेकिन मैं चैन लगाने के बाद फोल्ड करूँगी। तो देखिए ये मैंने चैन ली हुई है, आप कोई भी चैन मजबूत वाली ले सकते हो, और दो मैंने रनर लिए हुए हैं। तो देखिए अब आपको इस हिस्से को नाप लेना है, क्योंकि अगर आपका ये हिस्सा छोटा या बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए मैं इससे को पहले नाप लूँगी। तो देखिए आपको सेट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से पहले सेट करना, इस तरीके से आपको नापना। अगर आपका छोटा बड़ा हो भी जाता है थोड़ा बहुत तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए आपको पहले ही नाप लेना है। तो ये देखिए मैंने नापा है, ये थोड़ा सा करीब हाफ इंच करीब बड़ा है, तो आपको ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है ये आपको ध्यान रखना। देखिए पौना इंच करीब ये बड़ा है, तो आपको नीचे वाला जो हिस्सा है उसे आपको थोड़ा सा खींचते हुए लगाना है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे आपको थोड़ा सा लूज देते हुए लगाना है चैन के ऊपर, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो देखिए मैं इसी हिसाब से आपको लगाना दिखा रही हूँ। तो इस नीचे वाले हिस्से को, जो हमारा हिस्सा बड़ा है, उसको आपको लूज देते हुए चैन को अटैच करना है, और जो हमारा छोटा हिस्सा है उसको आप खींचते हुए, थोड़ा सा खींचते हुए अटैच करना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए मैंने चैन को लगा दिया है एक तरफ से, अब नीचे वाले हिस्से में देखिए ये जो हमारा जॉइंट है वहाँ तक आपको इसे अटैच करना है चैन को दोनों साइड में। अब ऊपर वाली एक चैन को मैं निकाल लूँगी, अब ऊपर वाले हिस्से में भी हम चैन को अटैच कर देंगे बिल्कुल। देखिए पास से अटैच करना है आपको जितना हमारा, तो हमने एक एक इंच दोनों साइड में छोड़ते हुए चैन को दिया है, ताकि वहाँ पर आप सिलाई वगैरह भी लगा सकते हो, और या फिर वहाँ पर आप कोई भी धागे वगैरह से बांध सकते हो, या फिर कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हो इस जगह। अब देखिए इस तरीके से दूसरी साइड भी आपको चैन को अटैच कर देना है ऊपर वाले हिस्से में। तो इसको आपको कपड़े को थोड़ा सा लूज देते हुए अटैच करना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, आप देखना ये बराबर आ जाएगा बिल्कुल फिर। तो इसीलिए मैंने ये पहले ही नाप लिया था, ताकि हमें पता चल सके कि छोटा या बड़ा पार्ट तो नहीं है, और अगर है भी तो हम इससे एडजस्ट कर सकें। तो देखिए ये हमारा बराबर आ गया है बिल्कुल, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। अब देखिए इसको हम जो नीचे वाला जो कपड़ा पाइपिंग वाला कपड़ा, इसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे पूरे में। तो देखिए मैंने इसे फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा दी है, तो आप पहले भी लगा सकते थे और बाद में भी, तो बाद में हमारी एक ही सिलाई में काम हो गया, क्योंकि ये चैन वाला पार्ट भी आपका दब गया और पाइपिंग भी आपकी दब गई। तो आपको चैन पे लेते हुए ही सिलाई को लगाना है। अब देखिए मैंने रनर डाल दिया है पहले एक, और इसको हमें पहले निकाल लेना है, ताकि हमारी चैन पूरी बंद हो सके और हमें अपना बैग का शेप अच्छे से दिख सके कि हाँ सही है या गलत है। अगर आपका थोड़ा बहुत इधर जा रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए फिर से मैंने दोनों साइड से रनर को डाल दिया है, अब इसको मैं उल्टा कर लूँगी। अब उल्टा करके ये जो कोने हैं जो चैन वाले, वहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ से पकड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी दोनों साइड में, तो आपको मजबूत वाली सिलाई लगा देनी है।
ताकि ये जो चैन है वो निकले ना। तो मैंने देखिए कई सिलाई लगाई हुई है इसके ऊपर, तो इसी तरीके से मैं दोनों साइड में सिलाई लगा दूंगी और इसी तरीके से ये हमारा पैक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। और बहुत ही सुंदर सा लुक आया हुआ है इसका, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर ही सूट केस बना सकते हो, वो भी कपड़े और कट्टे से। तो देखिए मैंने इसमें थोड़े बहुत कपड़े भर लिए हैं, अभी इसमें और भी आ सकते हैं, आप देख सकते हो कितना लूज लग रहा है। तो अभी इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो, जहाँ आप सफ़र में जा रहे हो या फिर कहीं रहने जा रहे हो। तो इस तरीके से आप बड़ा बैग, ट्रेवल बैग बना सकते हो, आप इसे बैग भी बोल सकते हो और सूट केस या जो भी आप बोलना चाहो वो आप नाम इसे दे सकते हो। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।